लोग खुद हैं भाई सीओ साहब, हम भाई हमारी जानकारी में इनको, अब आपकी जानकारी नहीं होती है। मैं आप एक कोतवाल साहब, मैं हमारे प्रति जिम्मेदार है ना, मैं आपके प्रति जिम्मेदार हूँ। इन लोगों का कहना है कि इनकी बात चल रही है, लोगों की यहाँ की राजनीति केवल अवैध काम में, हम ही वो आदमी है यहाँ के सबसे पहला है। अवैध तो यहाँ बहुत लोग हैं यार, कोतवाल साहब आप सबके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे क्या? मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कार्रवाई करेंगे सबके खिलाफ? एक से एक टोप वाले अवैध है, कर लेंगे। ये पेट्रोल पंप अवैध है क्या, हटवा देंगे आप? ये जो हमारे कचहरी के गेट का पेट्रोल पंप है, अवैध है क्या, हटवा देंगे आप? नहीं आप बताइए, अरे नहीं तो अरे ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। वहाँ का अवैध है कि नहीं बताइए? पेट्रोल पंप का जाम लगता है सबसे ज्यादा, अवैध है कि नहीं लालबाग चौराहे पे? हटा दीजिए आप, हम ये कह रहे हैं आप इनको अभी हटाइए घंटे बाद, लेकिन कहीं इनको प्रशासन से बात करा के कोई तो इनको अल्टरनेट जगह अवेलेबल करा दीजिए। इनके घर के बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, कैसे राशन जमा होगा, कोई तो कहीं अरे हम समाज सेवी काम इनको जगह दे देंगे, हम क्या जगह के मालिक है? तो इस सड़क पे तो बहुत लोग लगाए नहीं है बहुत लोग, तो भाई हम चलिए हम सबका भी लिख के देते हैं, मैं लिख के देता हूँ वही। अरे हमें तो बहुत कुछ लगता है, मैं तो नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मुझे एक जगह मालूम है। अरे हमने तो स्वयं अतिक्रमण हटाया है, नगर पालिका अध्यक्ष थे तो कितना अरे हटवाए थे, जितना हम हटाए थे इतिहास जानता है सीतापुर का इतिहास। अरे आप कोतवाल होंगे 2 साल से और मैं यहाँ पर मैं 20 साल से रहा, आप पता लगाइए जो आपने ये बात कही है। आपने कहा है कि तुम क्या हटाए थे, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा कोतवाल साहब मैं क्या हटाया था। अरे देखिए कोई आपस की बात नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने क्या हटाया? तो फिर कह रहा हूँ, मैंने अगर आप हटवाए होते अच्छा इसे इस्तेमाल रहता। अरे हमने जितना हटवाया था ऐसे इस्तेमाल रहता पे सारी चीजें बनी हुई, हमने जितना हटवाया था रिकॉर्ड सड़क अरे कोतवाल साहब जवाब तो आपको लिखित दूंगा दीजिए ना। आपने पूछा है सार्वजनिक, मैं सार्वजनिक बताऊंगा मैंने क्या हटाया। मैं मान हानि का दावा करूंगा आपके खिलाफ, मैं आपके खिलाफ दावा करूंगा। आप क्या करेंगे? आपने एक हफ्ते पूर्व नगर और पूर्व वकीलों के जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कह रहा हूँ इनको व्यवस्थित कर दीजिए, आप हटाइए, आज ही हटा दीजिए, आप व्यवस्थित कर दो ना। अरे हमारे पास कौन जगह है? चेयरमैन रहे हो, आपके पास जगह है तहसील में? चेयरमैन रहे हो, मैं क्या मैंने लोग आप क्यों उधार पैदा कर रहे हैं? ये इधर मेरी दुकान है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बगैर आप किसी को व्यवस्थित किए नहीं हटा रहे, आप बता दीजिए लिखित दे दीजिए। आप सिटी मजिस्ट्रेट के पास बैठिए, इसका एक बार समाधान कराने का प्रयास करिए, एक घंटे का मौका दीजिए इनको। अगर एक घंटे बाद अगर आप समझते हैं कि हटना जायज है तो आप हटा दीजिए। सुनिए, आप चेयरमैन थे तब भी है, आपने क्यों नहीं इनको व्यवस्थित करा दिया? तब क्यों नहीं कोई ज्ञापन नहीं आपने व्यवस्थित? मेरे पास कोई बात लेके आता तब यह ज्ञापन लेके आता? नहीं आज बात लेकर के आ गया, मैं इनको व्यवस्थित कराता पहले। नेतागिरी जब चेयरमैन का चुनाव आ गया सबकी नेतागिरी आ गई। अरे आपको भी हमारे बारे में मालूम है? खूब मालूम है। अरे आपको कुछ नहीं मालूम है? आपको कुछ नहीं मेरे बारे में मालूम? मैं कह रहा हूँ आप जब चेयरमैन थे तो यहाँ क्यों नहीं? तो पता करिए, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने सीतापुर में क्या किया? जब मैं चेयरमैन था मैंने सीतापुर में क्या किया? पता करिए सिटी मशीन के पास आप वार्ता करा दीजिए, एक घंटे के लिए आप रुकवा दीजिए, घंटे बाद हटा दीजिएगा। अब अगर एक घंटे बाद